हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एसआई की बात करेंगे, जिसमें हम इसके लिए यहाँ पर गणित की क्लास देखेंगे और मैथ में हम इस सीरीज़ को आगे को बढ़ाते हुए। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को करा रखी है क्लासेस, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना। तो आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस में ये दिया गया है। तो आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड करके देख लिया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दी थी कि किस प्रकार से आप मैथ और रीजनिंग को कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लास मैंने आप लोगों को करा रखी है, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो वहाँ पर जाके आप रीजनिंग की क्लास करेंगे। लगभग 30 क्लास के आसपास मैंने करा रखी है और उन 30 क्लास से आपको 35 से 40 नंबर के बीच का कंटेंट आसानी से यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आप लोग उन चीज़ों को देखें, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं रीजनिंग का। हिंदी भी देख सकते हैं, हिंदी का भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कंप्यूटर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी चीज़ें आप लोगों को कराई गई हैं। जीएस के लिए भी जो 50 क्लास मैंने करा रखी है, अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम, उसमें आप लोग देख सकते हैं जीएस के हर एक टॉपिक को बताया गया है। तो मैथ की अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। और आप कहेंगे कि द्विघात समीकरण तो दूसरा या तीसरा टॉपिक है। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग एचसीएफ और एलसीएम वाला, वो मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियोज़ तो देखना। अभी तक मैंने लगभग 10 से 11 क्लास करा रखी है। उन 10 से 11 क्लास में मैंने संख्याओं पर आधारित प्रश्न और एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर करा रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण क्या होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड ऐसा है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं जिसमें हम बात करेंगे। इसका बेसिक देखेंगे अभी पहले, इस क्लास में हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे। इस क्लास में भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक रहेगा जो आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो द्विघात समीकरण को समझने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा। एक शब्दावली है बहुपद, बहुपद की हम बात करेंगे और इस बहुपद को आप समझेंगे तभी द्विघात समीकरण आप समझ पाएंगे। पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है, बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। बहुपद का नाम जैसे ही आपको पता चल रहा है, बहुत सारे पद जिसमें होंगे उसको हम बहुपद कहेंगे। तो इसमें जो बहुत पद हैं वो कौन कौन से पद हो सकते हैं उसको देखेंगे। तो इसमें ये जो बहुपद है वो किस किस से मिलकर बना रहेगा, ये मिलकर बना रहेगा चर और अचर से मिलकर। ये जो बहुपद है वो चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है। अब ये चर और अचर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे चर की, तो इसको हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो वेरी करता रहता है, जो फिक्स नहीं है, ठीक है। जिसका मान फिक्स नहीं है उसको हम चर राशि बोल देते हैं और जिसका मान फिक्स है उसको हम अचर राशि बोल देते हैं। इसको हम कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसका मान नियत है। जैसे अगर हम बात करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी गिनती है अनगिनत तक, हर किसी का मान फिक्स है। आप देख पा रहे हैं 1 का मान फिक्स है, कभी बदलेगा नहीं। 2 का मान फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। 3 का मान है, कभी नहीं बदलेगा। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि अचर राशियां हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो चर है वो क्या है, वेरिएबल है, इनका मान बदलता रहेगा। जैसे हम बात कर देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, डॉट डॉट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल के टाइम पे, माना राम की आयु एक्स वर्ष है। एक्स वर्ष का मतलब कुछ भी निकल सकती है, हर प्रश्न में राम की आयु अलग अलग आ जाती है। तो एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है यहाँ पर एक चर राशि जिसका मान परिवर्तन हो सकता है। तो जब हम इस चर और इस अचर राशियों को आपस में मिला देते हैं और एक समीकरण बना देते हैं, तो उसी को हम बहुपद का नाम देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह अगर हम देखें, एक उदाहरण अगर हम देखें, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 2x+5। 2x+5 हमने लिखा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें
चर और अचर दोनों राशियां हैं, तो यहाँ पर 2x तो एक पद बन गया, ये जो 2x बना ये एक पद बन गया, और ये 5 दूसरा पद बन गया, तो यहाँ पर कितने पद हो गए? दो पद हो गए। तो यानी कि ये क्या बन गया? एक प्रकार का बहुपद बन गया है। इतनी बात आई होगी समझ में आपको कि बहुपद क्या होते हैं, चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं। अब जैसे इसमें अगर हम बात करें, जैसे एक चर वाले बहुपद भी होते हैं, एक चर जिसमें एक ही चर राशि होगी उसके अलावा कोई नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² + 5x + 3x + 2। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो x है हर कहीं जगह x ही देखने को मिला, यानी कि एक ही चर राशि है, तो इसको एक चर वाले बहुपद कह देंगे। इसी प्रकार जहाँ पर दो चर राशियाँ हैं, जैसे 2x² + 5y + 3, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x और y दो वैल्यू आ गई, तो इसको हम क्या कह देंगे? दो चर वाला बहुपद कह देंगे। तो आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी चर राशियाँ हैं, ठीक है? तो ये हो गया एक चर वाले बहुपद और दो चर वाले बहुपद। तो इसी प्रकार हम आगे को बढ़ाएंगे अपने इसको। अब हम देखेंगे यहाँ पर गुणांक, इसमें हम देखेंगे क्या गुणांक देखेंगे। गुणांक को हम कॉफिशियंट बोलते हैं, कॉफिशियंट, ठीक है? इसको हम अंग्रेजी में कॉफिशियंट बोलते हैं। तो कॉफिशियंट क्या होता है, इसी एग्जांपल को अगर हम देखें जो अभी हमने लिखा है यहाँ पर, ऊपर जो हमने एग्जांपल लिखा है 2x² + 5y + 3, इसमें अगर हम बात करेंगे गुणांक की, तो गुणांक का मतलब होता है जो ये जो चर राशियां हैं जैसे एक्स है वाई है, इनके साथ जो अचर राशि की गुणा की गई है वही इसका क्या होता है? गुणांक होता है। यानी कि जैसे अगर हम बात करेंगे इसमें चर राशि क्या है? x² है। इसमें चर राशि क्या है? x² है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि x² का गुणांक बताइए, y का गुणांक बताइए क्या होगा? y का गुणांक, गुणांक का मतलब किससे गुणा कर रखी है। तो x² में किससे गुणा की गई है? तो यहाँ पर 2 से गुणा की गई है, तो x² का गुणांक हो गया 2। इसी प्रकार y की गुणा किससे की गई है? 5 से, तो y का गुणांक हो गया 5। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं गुणांक क्या चीज़ है, जिससे गुणा की गई है चर राशियों में, तो चर राशि एक्स और वाई है, इनमें किससे गुणा की गई है? यहाँ 2 से, यहाँ 5 से। आई बात समझ में? अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर गुणांक से ही संबंधित, फिर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3x³ + 5y² - 3z। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो x³ का गुणांक, अच्छा यहाँ पर एक और वैल्यू लिख लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं 6। इसमें हमको बताना है गुणांक किसका? x³ का गुणांक बताना है, और किसका गुणांक बताना है? y² का गुणांक बताना है, और किसका गुणांक बताना है? z का गुणांक बताना है, और किसका गुणांक बताना है? बस इतने ही चीज़ों की, इतने ही वैल्यू का यहाँ पर गुणांक बताना है। तो x³ का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि x³ की गुणा 3 से हो रखी है। y² के सामने क्या है? 5, 5 से गुणा हो रखी है, तो इसका गुणांक 5 आ जाएगा। अब z का गुणांक क्या होगा? z का गुणांक हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्या ये सही होगा? तो अगर हम देखें तो z की गुणा यहाँ पर 3 से ना करके -3 से कर रखी है, तो इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, ये साइन का भी ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन में 3+3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, तो आप लोग यहाँ पर -3 करेंगे, क्योंकि इसकी गुणा -3 से हो रखी है। यहाँ पर गुणा +5 से हो रखी है, लेकिन हम प्लस का चिन्ह लगाते नहीं हैं, तो इसलिए किसी भी संख्या के आगे जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है तो उसको हम प्लस ही मानते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने कोई चिन्ह नहीं लगा रखा, लेकिन जब आगे से माइनस चिन्ह होगा तो हम उस माइनस चिन्ह को यहाँ पर दर्शाएंगे जरूर। तो ये गुणांक वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। यहाँ पर गुणांक वाली चीज़ें भी आपको समझ में आ गई हैं, कोफिशियंट वाली चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है दोस्तों?
तो बहुपद को हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण में सबसे पहले, तो यहां पर हम बहुपद को देख रहे थे। अब हम बात करेंगे यहां पर घात की, यहां पर हम बात करेंगे घात की, जिसको हम अंग्रेजी में पावर के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई एक उदाहरण हम ले लेते हैं, 3x³ प्लस 5y⁴ माइनस 2x प्लस 3z प्लस 4। ये एक बहुपद दे दिया आपको, ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद हैं। इस बहुपद में आप लोगों को कहा जाएगा बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, बहुपद की घात क्या है। ऑप्शन आपके सामने होंगे 3, 4, 1, 0, 1, 3, 4, 0, ये आपके सामने ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से आपको टिक करना है कि इसमें घात क्या होगी। तो अगर हम इस बहुपद को देखें तो इसमें पावर जो होती है वो ऊपर लगाई रहती है किसी भी चर राशि के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x की पावर 3 है, तो यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर y की घात 4 है, यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं लिखी है, तो हम उसको क्या मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं। जब भी किसी भी संख्याओं की घात नहीं दर्शाई गई होगी तो हम उसकी घात को 1 मानते हैं, क्योंकि किसी की भी घात, जैसे 2 की पावर 1 की बात करें तो इसका मान 2 ही आता है। तो कोई भी वैल्यू हो, उसकी वैल्यू, उसकी घात अगर 1 है तो उसका मान वही आता है, इसलिए हम 1 को लिखते नहीं हैं, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है कि वो 1 होगा। तो यहाँ पर x की घात 1 है, z की घात भी 1 है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे अधिक घात है वो किसकी है, सबसे अधिक घात किसकी है। तो y की घात आपको देखने को मिल रहा है 4 है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा पूरे बहुपद का। इस पूरे बहुपद का घात क्या है, तो ये हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो सबसे अधिक घात हमको देखने को मिल रही है। तो घात अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा गया कि बहुपद की घात बताएं, तो बहुपद की घात आप वही बताएंगे जो उसमें सबसे अधिक वाला होगा। तो अधिक वाला यहाँ पर था 4, इसलिए आप इसमें बताएंगे कि बहुपद की घात 4 है, ठीक है। तो बहुपद की घात क्या है, इसमें 4 है। तो ये घात वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, ये सारी चीजें आप लोगों को अभी आने वाले क्लास में समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं, एक हम पढ़ रहे थे घात, तो घात में भी एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद, और एक होता है दो घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद, एक होता है तीन घात वाले बहुपद, तीन घात वाले बहुपद। अब एक घात वाले बहुपद क्या होंगे, जिसमें घात एक ही होगी। जैसे एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, 3x प्लस 5y प्लस 2 प्लस कुछ भी, हाँ ठीक है, माइनस, चलो माइनस लिख लेते हैं, माइनस 4y। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3x की घात कितनी है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 5y में भी 1 है, 2 में भी 1 है, 4y में भी 1 है। जब किसी भी बहुपद में सबकी घात 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा, एक घात वाला बहुपद कहलाएगा। तो ये एक घात वाले बहुपद है हमारे पास, ये उदाहरण आपके सामने। ऐसे ही उदाहरण और भी हो सकते हैं, 4x माइनस वाई, ये भी एक उदाहरण है, ठीक है। एक और उदाहरण ले सकते हैं, माइनस 5x प्लस 4, ये भी एक घात वाला बहुपद है क्योंकि इनके घात एक एक है। इसी प्रकार अब आते हैं हम दो घात वाले बहुपद, इसी को हम शॉर्टकट में बोल देते हैं द्विघाती बहुपद या फिर द्विघात बहुपद। और इसी की अगर हम समीकरण बनाएंगे तो उसी को हम कह देंगे द्विघात समीकरण। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो द्विघात समीकरण आपके टॉपिक में दे रखा है वो कहाँ से निकल के आया है, वो यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण हम द्विघात बहुपद से जब एक समीकरण के रूप में लिखते हैं उसी को हम द्विघात समीकरण बोल देते हैं। तो द्विघात समीकरण कैसी होगी, जिसकी घात 2 होगी। जैसे यहाँ पर द्विघात समीकरण की अगर हम बात करेंगे, जैसे 3x² + 4y + 3,
ये एक द्विघात समीकरण हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात जो मैक्सिमम पावर है वो दो है, तो इसलिए आप लोग इसको कहेंगे कि ये दो घात वाला समीकरण है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5y की घात 2 माइनस 3x प्लस 6। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इसकी पावर कितनी है, 2 है, और x की पावर 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये द्विघाती बहुपद हो गया है। अब इसी प्रकार तीन घात वाले बहुपद में इसकी अधिकतम घात 3 हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, तीन घात वाला बहुपद कहेंगे। जहां पर अधिकतम घात 3 है तो उसको तीन घात वाला बहुपद कह देंगे। तो अब आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक घात वाला बहुपद इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है रैखिक बहुपद, इसका नाम है अन्य नाम रैखिक बहुपद भी इसको कहा जाता है। इसका व्यापक रूप आपसे पूछा जा सकता है, व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब एक ढांचा जो हमेशा फिट बैठ रहा हो हर किसी में, तो ये इसका ये व्यापक रूप होता है, उसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी इसका क्या है, एक व्यापक समीकरण है या फिर व्यापक रूप है। अब आप यहां पर देख पाएंगे कि एक्स की घात कितनी है, एक है, ए और बी का मान कुछ भी हो सकता है। ए का मान हम 1, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। ए का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ए का मान 5 रख लेते हैं, बी का मान 6 रख लेते हैं, तो 5x प्लस 6 हो गया, तो ये एक घात वाला समीकरण बना, नहीं बना। ए और बी के मान अगर आप कुछ भी रख देंगे तो ये हमेशा एक घात वाला समीकरण ही बनेगा, क्योंकि x की घात यहाँ पर इस सूत्र में एक है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो घात वाले बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे क्या, इसका व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, इस व्यापक रूप में a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो x है इसकी घात कितनी है, 2, x की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, दो घात वाला बहुपद है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, देखो a का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो 0 को अगर हम x से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। जब हम x को 0 से गुणा कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 आ गई, प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पास जो समीकरण बचा बी वाई प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर इनकी घात 1-1 है, तो ये एक घात वाला बहुपद बन जाएगा। इसीलिए a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, इसमें a का मान कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो ये दो घात वाले बहुपद का व्यापक रूप हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तीन घात वाला बहुपद हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी जब हम इसको और क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म पर देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक से है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है चीज़ें। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा और, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अच्छा चलो, हम ये जो इससे आगे का लेक्चर है वो बाद में करेंगे, यहाँ पर आज थोड़ा सा ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, अन्यथा जो मैं नया टॉपिक इसमें शुरू करूँगा वो करूँगा बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर मैं इसको अभी करूँगा तो 15-20 मिनट और हो जाएगा, फिर और लंबी क्लास हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, होमवर्क पर, होमवर्क आपका है क्लास 9th और 10th, ये दोनों NCERT आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके पास वैसे नहीं है मैथ की, तो ये NCERT आप डाउनलोड करेंगे प्लेलिस्ट से, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे NCERT किताबें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी क्लास 9th और 10th की। वैसे मैंने ना ये क्लास 9th और 10th की मैथ की PDF
इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप क्लास 9th और 10th में बहुपद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, खुद चीज़ों को समझेंगे। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होंगी कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल में आप पूछेंगे। तो सिलेबस आपका 9th मतलब ये जो 10th लेवल का है वही पर तक है, हाई स्कूल स्तरीय वहाँ पर अलग से लिखा है, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हाई स्कूल लेवल तक ही पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहना। थैंक यू सो मच।